दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा ऐसे डिजिटल सॉकेट टाइमर के बारे में। प्रॉपर तरीके से आपको इसके बारे में एक एक चीज समझाऊंगा, कैसे इसका टाइम सेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्या फायदा होता है इसको यूज करने का। इस टाइमर को ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी ने बनाया है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस टाइमर के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस टाइमर को हम डिजिटल सॉकेट टाइमर बोलते हैं और इस टाइमर का यूज किया जाता है वो एनर्जी सेविंग के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों इसे डिजिटल सॉकेट टाइमर का यूज करके आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं, आप टी केटल यूज कर सकते हैं, दीपावली पर जो आप लाइटें लगाते हैं आउटडोर में उनके लिए भी आप इस टाइमर का यूज कर सकते हैं कि सुबह 4 बजे हमारी लाइटें ऑन हो जाएं, सुबह के 7 बजे बंद हो जाएं। ऐसे करके आप इस टाइमर का उपयोग करके अपना इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हो, एनर्जी को सेव कर सकते हो। डिजिटल सॉकेट टाइमर हमारा सिंगल फेज एसी सप्लाई पर काम करता है। इसके अंदर आप 2500 वाट का लोड कनेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 10 एम्पियर, 24x7 वीकली प्रोग्राम कर सकते हो इसके अंदर। वो प्रॉपर तरीके से मैं आपको अभी सिखाऊंगा। मिनिमम सेटिंग आप 1 मिनट तक रख सकते हो उस टाइमर के अंदर, 1 मिनट बाद आपके लोड को ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देगा। टाइमर के अंदर आपको ऑटो मैनुअल फीचर्स मिल जाएगा। इस बटन को प्रेस करके आप अपने टाइमर को ऑटो और मैनुअल मोड पर सेट कर सकते हो। इस टाइमर के अंदर आपको 1.2 वोल्ट 80 mAh का बैटरी मिल जाता है, जिससे होगा क्या कि आपका लाइट चली जाएगी तो प्रोग्राम आपका रीसेट नहीं होगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसे डिजिटल सॉकेट टाइमर को यूज करने की कुछ सावधानियाँ। जब भी इस टाइमर को आप यूज करेंगे तो इसके अंदर से आपको 10 एम्पियर से ज़्यादा लोड कनेक्ट नहीं करना है। अगर आप इससे ज़्यादा लोड कनेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे ये हीट होने लग जाएगा और एक टाइम के बाद ये जल भी सकता है। प्रोडक्ट हमारा वाटरप्रूफ नहीं है, इसको हम इंडोर जगह पर यूज करेंगे, जैसे हमारा बरामदा हो गया या फिर हमारा रूम हो गया, उनके अंदर इसको लगा करके हम यूज कर सकते हैं। 24x वीकली प्रोग्राम कर सकते हैं, वो मैंने आपको अगला पॉइंट भी सिखाया था, ये आपको अभी प्रॉपर सिखाऊंगा। और एक मेन पॉइंट और है कि इस टाइमर को आप मेन सप्लाई को ऑन रहते हुए टाइम सेट नहीं करना है। इसके अंदर मेन सप्लाई या तो ऑफ कर दीजिए या फिर इसको प्लग टॉप से बाहर निकाल करके आप इसका टाइम सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के वाइट एंड ब्लू बॉक्स में आता है हमारा टाइमर। इसको खोल के हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम अपना बॉक्स खोलेंगे तो यहाँ हमको टाइमर मिल जाता है, एक यूजर मैनुअल मिल जाता है जिसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी इस यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कुछ प्रोटेक्शन लगी है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और आप देखेंगे दोस्तों इस टाइमर के ऊपर हमको एक यूनिवर्सल सॉकेट मिल जाता है जिसके अंदर किसी भी कंट्री का प्लग टॉप लग जाएगा, प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएगा। पीछे आप देखेंगे तो इसको 220 से 240 वोल्ट पर हमको ऑपरेट कराना है। इधर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर 2 पिन प्लग दिया गया है जिसको आप बोर्ड के अंदर लगा सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसके टाइम को सेट करना है। तो टाइम को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ R बटन दिया है इसको रीसेट करेंगे। एक बार इस बटन को प्रेस करेंगे दोस्तों आप देखेंगे कि टाइम हमारा रीसेट हो गया है। अब घड़ी वाले बटन को, क्लॉक वाले बटन को प्रेस करना है और आप टाइम देखेंगे कि शाम को 5:05 हो रहे हैं। मैं फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको घड़ी में टाइम दिखा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, इस बीक वाले बटन को प्रेस करके अपना डे सेट करेंगे। आज ट्यूसडे है तो हमने ट्यूसडे सेट कर लिया। अगर कोई और दिन होता तो हम इसको दूसरे बार दबा करके वो दिन सेट कर लेते। अब इस हावर के बटन को दबाएंगे, लेकिन हमारा क्लॉक वाला बटन दबा करके हमको रखना है। हावर का बटन हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो हमारा टाइम जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी हमारा शाम को 5 बजे हुए हैं तो हम 17 सेट करेंगे। अगर सुबह के 7 बजे सेट करते तो हम यहाँ पर 7 सेट करते। अब फिर से हमको क्लॉक का बटन दबा के रखना है और मिनट सेट कर लेंगे, क्योंकि अभी 17:05 मतलब कि शाम को 5:05 हो गया। घड़ी का बटन प्रेस करेंगे, टाइम हमारा सेव हो जाएगा। इधर प्रोग्राम का बटन एक बार दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ ऑन है, फर्स्ट ऑन। दोबारा से दबाएंगे तो फर्स्ट ऑफ, सेकंड ऑन, सेकंड ऑफ। ऐसे करके हमको इसके अंदर 16 ऑन या ऑफ के टाइम सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है टोटल। तो हम इसमें अब टाइम सेट कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि 16 ऑन, 16 ऑफ, ऐसे करके 16 टाइम इसमें हम सेट कर सकते हैं एक दिन में। फर्स्ट ऑन यहाँ वीक सेट करेंगे तो ऑल डे में इसको ऑन करा सकते हो। पर्टिकुलर एक एक दिन के लिए भी आप इसको सेट कर सकते हो। आज ट्यूजडे है, फर्स्ट ऑन में हम टाइम सेट करेंगे तो यहाँ पहले हम हावर सेट करेंगे। हावर अभी हमारा हो रहा है 17 शाम के, तो यहाँ मैं 17 सेट कर देता हूँ। ये 18 हो गया तो हम इसको फिर से एक बार सेट कर लेते हैं। यहाँ 24 तक गया था ये, 24 तक
ये हमारा आप देखेंगे 17 सेट हो गया। अब मैं आपको घड़ी में टाइम दिखाता हूँ कि अभी शाम के 5:07 हो रहे हैं, तो हम 5:08 पर सेट कर देते हैं। 5:08 पर टाइमर 9 कर देता हूँ। 5:09 पर टाइमर ऑन होगा और फर्स्ट ऑफ में मुझे टाइम सेट करना है। वीक में सेट करूँगा मैं ट्यूसडे, यहाँ ट्यूसडे हो गया, और हावर में सेट कर लूँगा मैं 17:10 पर इसको बंद कराएंगे। 15, 16, 17 यहाँ मिनट सेट करूँगा, मिनट वाला बटन दबा करके। तो हम सेट कर दिए 5:11 पर, क्लॉक वाला बटन सिंपली प्रेस कर देंगे। हम देखेंगे कि 17:06 हो रहे हैं। अपना प्रोग्राम देखने के लिए प्रोग्राम बटन पर प्रेस करेंगे तो फर्स्ट ऑन 17:19 पर ऑन होगा ये। हम तब तक वेट कर लेते हैं, घड़ी वाले बटन को प्रेस कर देते हैं। अभी 17:06 हो रहे हैं। इसको हम अपना एक बोर्ड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इस बोर्ड के अंदर इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, इससे एक सिंपली लोड कनेक्ट कर देता हूँ छोटा सा। अब इसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ हमको एक बटन मिल जाता है ऑटो ऑन और ऑफ। अभी 17:07 हो गए हैं, बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा बल्ब लोड है वो ऑन हो जाएगा मैनुअली। इसको यहाँ से हम ऑटो में ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। अभी हम टाइमर को ऑटो में डाल करके थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा 57 हो गया है, 58, 59, और जैसे ही हमारा 17:09 हुआ हमारा लोड ऑन हो गया। अब जैसे ही हमारा 17:11 होगा लोड हमारा बंद होना चाहिए। हम थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा जैसे ही 17:11 होने वाला है लोड हमारा बंद हो गया। अगर आप चाहें इसको ऑटो में ऑन या ऑफ कराना तो इस बटन को दबा करके भी इसको ऑन या ऑफ करवा सकते हो अपने लोड को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।